गुड मॉर्निंग दोस्तों, द कैरियर परिवार में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार शर्मा, आपका हिस्ट्री का फैकल्टी। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं आप लोगों के सामने अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा हूँ। इसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो मुख्य परीक्षा 2018 का आयोजन किया जा रहा है, इनके GS पेपर वन यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर वन का हिस्ट्री का एनालिसिस मैं आपके साथ इस सेशन में करूंगा कि टोटल कितने प्रश्न पूछे गए, किस किस खंड से पूछे गए और खंड में भी किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया और भविष्य में किस किस खंड से कितने कितने प्रश्नों की संभावना बन सकती है। दोस्तों, इस सेशन को आरंभ करने से पहले एक हल्का सा पाठ्यक्रम से मैं आप लोगों को रूबरू करा दूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो तैयारी अभी स्टार्ट ही किए हों और वो पाठ्यक्रम से रूबरू नहीं हुए हों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर वन है उसमें तीन चीज़ें शामिल हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भारतीय समाज यानी कि इंडियन सोसाइटी। इसमें हिस्ट्री वाले खंड को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग में आपका आता है कला और संस्कृति, कला और संस्कृति। दूसरे भाग में 18वीं सदी से लेकर वर्तमान समय तक प्रमुख घटनाएं, व्यक्तित्व और विकास के बारे में हम लोगों का अध्ययन करना पड़ता है। तीसरे में स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण यानी कि 1857 से लेकर के 1947 15 अगस्त तक हम लोगों का अध्ययन करना है। इसमें प्रमुख व्यक्तियों के इस स्वतंत्रता संग्राम के चरण में क्या क्या योगदान रहे, ये हमारा तीसरा भाग है। चौथा भाग है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन, ये हमारा चौथा भाग है। पांचवा है विश्व इतिहास से संबंधित यानी कि 18वीं सदी से लेकर वर्तमान समय तक की प्रमुख घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय यानी कि विश्व इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख घटनाएं, प्रमुख विषय जो भी हैं उनसे संबंधित हम लोगों को अध्ययन करना है और उनसे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम अपना जो 2018 का मेंस का जो एनालिसिस है, विश्लेषण है, अब उसको हम आरंभ करते हैं। दोस्तों, इस वर्ष कुल 20 में से 6 प्रश्न इतिहास खंड से पूछे गए हैं और उसमें व्यक्तित्व से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि इतिहास में बेसिकली जो पूरा जो अध्ययन है हमारा, चाहे वो आधुनिक का हो चाहे हमारे विश्व इतिहास का हो, वो प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख विषय और प्रमुख घटनाओं से संबंधित माना जाता है। यानी कि हमारे प्रश्न जो प्रश्न हैं इन्हीं तीनों चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। इस मैंने इन तीनों को इसलिए इन इतिहास को इन तीनों में विभाजित किया है ताकि हम आने वाले भविष्य को भी आकलन कर सकें। यानी कि इस वर्ष ये व्यक्तित्व से प्रश्न पूछा गया है, इस विषय से प्रश्न पूछा गया है, इस घटना से प्रश्न पूछा गया है, तो आगे आने वाली मुख्य परीक्षा में कौन कौन से विषय, घटना, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के विलीनीकरण में भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ये पहला प्रश्न है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, ये एक व्यक्तित्व का प्रश्न है। यानी कि इतिहास के जो खंड 4 है यानी खंड भाग 4 है, स्वतंत्रता के उपरांत एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन, ये उससे संबंधित प्रश्न है। अब यानी कि व्यक्तित्व की बात आ गई, यानी कि ये प्रश्न व्यक्तित्व से संबंधित है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि आगे आने वाले समय में हम ये मान सकते हैं कि इस खंड से अन्य जो व्यक्तित्व है जिनका राज्य के पुनर्गठन में योगदान या फिर उस खंड में स्वतंत्रता के बाद जो प्रमुख समस्याएं थी देश के समक्ष, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, उन समस्याओं के निराकरण जिन व्यक्तित्व ने किया उनसे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं।
जैसे कि नेहरू जी की विदेश नीति से प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी कि हमारे लिए ये हो गया कि इस खंड से सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे, ये भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जिनसे पूछने की संभावना बन सकती है। यानी कि ये जो पहला जो प्रश्न है ये किससे संबंधित हो गया, व्यक्तित्व से। यानी कि आगे आने वाली मुख्य परीक्षा में अगर हम लोग महत्वपूर्ण माने तो ये व्यक्तित्व को हम लोग मान सकते हैं। यानी कि अब संभावना बनेगी नेहरू जी, शास्त्री जी, आचार्य विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण से, ठीक है। अगर इसी खंड इस प्रश्न के आगे तो दूसरा प्रश्न है, मैं इस खंड में अन्य वस्तुओं की बातें या विषयों की बातें नहीं कर रहा हूँ, हम बस ये जानने की कोशिश करेंगे ये प्रश्न आया है तो इसके समकक्ष अगर कोई और महत्वपूर्ण बन सकता है तो वो कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है। दूसरा जो प्रश्न है वो है, विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। दोस्तों, जो पहला भाग था इतिहास का, कला और संस्कृति का, उसमें इन्होंने जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है बौद्ध और साहित्य से। यानी कि बौद्ध साहित्य का योगदान पूछ सकते थे, उस काल में ही पूछ सकते थे, या फिर उनकी दीक्षा या फिर उनकी शिक्षा के बारे में बात कर सकते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने पूछा है कि बौद्ध साहित्य का वर्तमान में विश्व शांति में क्या भूमिका है। यानी कि इसका अर्थ है कि कला संस्कृति वाले भाग से साहित्य में, यानी कि अन्य साहित्य, जैन साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और विदेशी यात्रियों का वर्णन या विदेशी यात्रियों के साहित्य से कालांतर में प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहेगी। और वो दो रूपों में, पहला उस काल में उन साहित्यों का योगदान या उन साहित्यों की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता हो सकती है। यानी कि इस साहित्य वाला जो पार्ट है कला संस्कृति का, ये हमारे लिए आगे महत्वपूर्ण बन जाता है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, तर्कपूर्ण व्याख्या करें। यानी कि दोस्तों, ये जो प्रश्न है तीसरा, ये भी संबंधित है खंड तीन से, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। लेकिन ये जो प्रश्न है किसका है, ये प्रश्न है व्यक्तित्व का। यानी कि इस बार लोक सेवा आयोग ने व्यक्तित्व के प्रश्न को ज्यादा जोर दिया है। यानी कि अब हमारे लिए स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी के अलावा और भी जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर जी, यानी कि जो पांच छह व्यक्तित्व और हैं जिनका भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका मानी जाती है, यानी कि इस भाग से भी व्यक्तित्व के ऊपर हम लोगों के अध्ययन में ज्यादा जोर देना है, ठीक है। यानी कि महात्मा गांधी व्यक्तित्व में तो बहुत एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर हम लोग ये भी मान के चले कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने प्रश्नों के पूछने के क्रम में कहीं ना कहीं यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग को फॉलो कर रहा है, तो इसका अर्थ है प्रत्येक वर्ष आने वाले प्रत्येक वर्ष की प्रत्येक मुख्य परीक्षा में इस भाग में व्यक्तित्व से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें महात्मा गांधी तो बहुत महत्वपूर्ण हैं ही, इनके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, मोतीलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सभी व्यक्तित्व भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे अध्ययन के लिए। यानी कि
दूसरा प्रश्न और हो गया जो व्यक्तित्व से संबंधित है। जैसे मैंने आपको बताया इतिहास से प्रश्न पूछने का क्रम तीन ही रहेगा, या तो व्यक्तित्व, या फिर विषय, या फिर प्रमुख घटना, चाहे वो आधुनिक भारतीय इतिहास हो चाहे वो विश्व इतिहास की हम लोग बात करें। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त कर दिया था, व्याख्या कीजिए। यानी कि ये जो प्रश्न है वो खंड दो और खंड तीन को मिला करके पूछा गया है, यानी कि 18वीं सदी वाला भाग और स्वतंत्रता आंदोलन का चरण। ठीक है, यानी कि इसमें ये क्या है, ये प्रश्न है विषय से संबंधित। विषय यानी कि ये प्रश्न पूछा गया है आर्थिक इतिहास से, यानी कि भारत में अंग्रेजी शासन काल के दौरान जिन आर्थिक नीतियों का प्रयोग किया गया था उन आर्थिक नीतियों ने कैसे भारतीय इतिहास की कमर तोड़ दी, यानी कि उसके मेरुदंड को क्षतिग्रस्त कर दिया। यानी कि ये प्रश्न पूछा गया है दो और तीन खंड दोनों को मिलाकर एक साथ 200 वर्षों के लिए पूछा गया है, और ये प्रश्न विषय से संबंधित है। यानी कि इसका अर्थ हो गया कि इस प्रश्न से यह सिद्ध हो रहा है कि जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, यानी कि आर्थिक इतिहास है भारत का अंग्रेजी शासन काल के दौरान, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए प्लस हम लोगों के अध्ययन के लिए। तो अब हो सकता है कि आगे की परीक्षा में इस बार प्रभाव पूछा गया है, आगे उन आर्थिक नीतियों की चर्चा कर ली जाए कि वो कौन कौन सी आर्थिक नीतियां थी जिन नीतियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, या फिर उन आर्थिक नीतियों का परिणाम भी पूछा जा सकता है। यानी कि ये जो प्रश्न है वो खंड दो और खंड तीन से संबंधित है, पूरा एक होल सिनेरियो है, और इस होल सिनेरियो एक विषय से संबंधित है। विषय क्या है, आर्थिक इतिहास। अब हम चौथा पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न विश्व इतिहास यानी कि पांचवें खंड से संबंधित है, पुनः है द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्यंभावी बनाने में हिटलर की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों ये जो प्रश्न है ये दो प्रश्नों को मिलाकर के पूछा गया है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध क्या है, एक प्रमुख घटना है, और इसमें भूमिका के रूप में यानी कि हिटलर यानी कि व्यक्तित्व। लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछने का क्रम है उसमें घटना जो प्रमुख घटना है द्वितीय विश्व युद्ध उसका पार्ट कम है, इसमें व्यक्तित्व यानी कि हिटलर की भूमिका वाला पार्ट उत्तर में ज्यादा होगा। यानी कि इस प्रश्न को भी हम व्यक्तित्व की श्रेणी में रख सकते हैं, यानी कि विश्व इतिहास में भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने व्यक्तित्व को ज्यादा जोर दिया है। यानी कि आने वाले समय में जो 18वीं सदी के मध्य से लेकर 18वीं सदी से लेकर वर्तमान समय तक प्रमुख अन्य व्यक्तित्व हैं, जैसे कि नेपोलियन, जैसे कि मुसोलिनी, जैसे कि लेनिन, ये अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिनसे कि आगे जाकर के कालांतर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि विश्व इतिहास में भी व्यक्तित्व की बहुत भूमिका मानी जाएगी आगे अध्ययन के लिए। यानी कि अब हमको अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है तो व्यक्तित्व वाले पार्ट को ज़्यादा जोर देना है। इसमें व्यक्तित्व और घटना दोनों को जोड़ करके पूछा गया है, घटना है द्वितीय विश्व युद्ध और भूमिका में व्यक्तित्व यानी कि हिटलर। यानी कि आगे आने वाले समय में हम लोगों का जो अध्ययन का जो महत्वपूर्ण भाग रहेगा वो रहेगा विश्व इतिहास में व्यक्तित्व, उन व्यक्तित्व ने
प्रमुख व्यक्तित्व ने विश्व इतिहास में अपनी क्या भूमिका अदा की, यानी कि व्यक्तित्व से संबंधित ये तीसरा प्रश्न हो गया। यानी कि टोटल 6 प्रश्नों में 3 प्रश्न व्यक्तित्व के हैं, 1 प्रश्न विषय का है और 1 प्रश्न आर्ट एंड कल्चर के साहित्य से संबंधित है। अब छठवां जो प्रश्न लेते हैं हम लोग वो है 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, यानी कि निर्णायक मोड़ का हो गया ये प्रमुख एक घटना को इंगित करता है। यानी कि 1857 का विद्रोह अपने आप में एक घटना था, अपने आप में एक घटना है। यानी कि इसमें पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह से जो प्रमुख घटना थी वो भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ कैसे सिद्ध हुई, यानी कि जो 1857 की घटना थी उसने एक अन्य नई घटनाओं का जन्म कैसे दिया। यानी कि ये प्रश्न पूरी तरह से घटना से संबंधित है, ठीक है। यानी कि हम देख रहे हैं कि इतिहास में आप पूरे प्रश्न पत्र को, पूरे अध्ययन को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख घटनाएं और प्रमुख विषय। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इन सब को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, बल्कि इन सब का हम लोग एक कनेक्टिविटी कलेक्टिवली अर्थ यानी कि अध्ययन करेंगे, यानी कि एक घटना को दूसरे घटना के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे। जैसे आपने लास्ट वाला प्रश्न देखा था, पूरा 200 साल यानी कि 200 वर्षों के इतिहास को एक साथ पूछ लिया गया है दोस्तों, इसका अर्थ है। तो इस सेशन से हम लोग आज ये पता चल रहा है कि इतिहास वाले भाग में 20 में से 6 प्रश्न पूछना, यानी कि आगे आने वाले परीक्षाओं में भी 6, 7, 8, 6, 7, 8 इस प्रकार से लगातार नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि इसको तीनों पार्ट में इसको बराबर इम्पोर्टेंस दी जा रही है। दूसरा, आगे जो मैंने आपको बताया कि हम लोगों का जो अध्ययन का जो क्रम होना चाहिए मेंस के लिए, वो होना चाहिए प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख घटना और प्रमुख विषय, और प्रमुख घटना व प्रमुख विषय को एक साथ हम लोग जोड़ के जब अध्ययन करेंगे तब जा करके हमारे इतिहास का अध्ययन पूरा हो पाएगा। और दोस्तों इसके अगले सेशन में जाकर मैं एक एक प्रश्न का डीपली एनालिसिस करके पूरा आपको एक अलग सेशन में दिखाऊंगा कि इस प्रश्न की डिमांड क्या है और इस प्रश्न का उत्तर क्या क्या हो सकता है। थैंक यू।